महिला पर बेरहमी के साथ लाठी डंडों से वार पर वार, एक के बाद एक लगातार लाठी डंडों की बारिश। युवक के सिर पर जैसे महिला को जान से मार देने की सनक सवार है। महिला चीख रही है, लाठी डंडों के वार से चिल्ला रही है, युवक से रहम की भीख मांग रही है। लेकिन इस जल्लाद के सिर पर जैसे महिला को मार देने का खून सवार है। महिला की चीख पुकार का युवक पर कोई असर नहीं पड़ता, वो लाठी डंडे बरसाता जाता है। इस बीच कुछ युवक उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनता और मारपीट का ये सिलसिला बदस्तूर यूं ही जारी रहता है। महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की ये तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम से आई हैं, जहां बेखौफ युवक महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट करता नजर आ रहा है। आखिर इस महिला का कसूर क्या है और कौन है ये युवक जो इस तरह खुलेआम महिला पर डंडे बरसा रहा है? मैं अपने ऑफिस के बाहर था, कुछ गुंडे लोग आए और जैसे कि आप फुटेज में साफ दिख रहा है, उन्होंने बेरहमी से मारपीटी करी है। उससे पहले उन्होंने बदतमीजी करी है। बहुत सारी घटनाएं जितनी भी हैं आप उसमें ये स्पष्ट क्लियर है क्लिप के अंदर, जो वीडियो क्लिप है। दरअसल ये घटना गुरुग्राम के पतौडी रोड इलाके की है, जहां बीती 3 तारीख को गजेंद्र उर्फ गोलू नाम का आरोपी पीड़ित महिला के दफ्तर में जबरन घुसता है और मारपीट करना शुरू कर देता है। काफी देर तक महिला को पीटने के बाद युवक वहां से निकल जाता है। पिटाई से महिला को गंभीर चोटें आती हैं और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये कल शाम की पटौदी रोड की घटना है, जिसमें एक आदमी एक महिला को बुरी तरह से पीट रहा है डंडों से, और इसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और उस आरोपी गजेंद्र उर्फ लाला को हमने अरेस्ट कर लिया है और हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक ये पूरा विवाद एक दुकान को लेकर है और इसी विवाद के चलते कादीपुर निवासी गजेंद्र ने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की है। यही नहीं, महिला के पति को भी जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है।